नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिटेल्स में जानेंगे। जब लोकल लेवल के लोग खुद गवर्नेंस सिस्टम में पार्ट ले तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इस गवर्नमेंट में जिला परिषद, समिति, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और वार्ड पंच पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी देश को चलाती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जो पूरी स्टेट चलाती है, और तीसरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर आने वाली सभी गांव चलाती है। यह गवर्नमेंट दो तरह की होती है। पहली अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो शहर में होती है, और दूसरी रूरल लोकल गवर्नमेंट जो गाँव में होती है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट दो तरह की होती है। पहली जो छोटे शहरों में होती है उसे म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। म्यूनसिपैलिटी का हेड म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है। जो बड़े शहरों में अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कहते हैं। इस लोकल गवर्नमेंट की हेड मेयर होता है। बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो मुंबई में एक्टिव है। अब हम आते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट पर, जिसे पंचायती राज भी कहा जाता है। पंचायती राज तीन लेवल पर काम करती है। पहली जो बिल्कुल ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल पर गांव में काम करती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरी उससे ऊपर पंचायत समिति, जिससे ब्लॉक या मंडल कहते हैं। और तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद काम करती है। अब हम ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत एक काउंसिल होती है जिसमें कि बहुत सारे वार्ड मेंबर्स, अनेक पंच और एक सरपंच भाग लेती है। प्रत्येक गांव या गांव के समूह में एक पंचायत जरूर होती है। 10,000 जनसंख्या पर एक पंचायत निर्धारित होती है। अब यह संख्या 15,000 से 20,000 तक हो गया है। एक गांव के हित में फैसले लेने का अधिकार पंचायत को ही होता है। एक पंचायत वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। 300 से 600 जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्माण होता है। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर और एक वार्ड पंच होता है। वार्ड पंच सरपंच के अधीन काम करता है। अब हम आते हैं जमीनी स्तर के सरकार पर, जिसे कि ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करता है। गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। पंचायत भवन में जब भी ग्राम सभा आयोजित होती है तो वहाँ पर पंचायत के एक तिहाई जनसंख्या जरूर उपस्थित होने चाहिए। एक वर्ष में ग्राम सभा 2 से 3 बार आयोजित किया जाना होता है। पंचायत के वार्षिक बजट को अप्रूव करने के लिए, जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है कि बजट का यूज किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ किया जाना है, जैसे कि चापाकल लगवाना, फलदार पेड़ लगवाना तो कहाँ पर लगवाना, और दूसरी पंचायत के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने के लिए। एक पंचायत भवन अमूनन ऐसा ही होता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का हेड मुखिया होता है। इसे उत्तर प्रदेश में प्रधान भी कहा जाता है। पंचायत सचिव एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, जो मुखिया का सचिव होता है। एक वार्ड मेंबर मुखिया के अधीन काम करता है। अब हम आते हैं पंचायत समिति पर, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। कुछ पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति का निर्माण करता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO पंचायत समिति का सचिव होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है। एक जिले के सभी पंचायत समिति मिलकर एक जिला परिषद बनाते हैं। उस जिले के MP और MLA उसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष जिला परिषद का हेड होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला परिषद चेयरपर्सन के सचिव होते हैं। DDC जिला परिषद उपाध्यक्ष के सचिव होते हैं। सम की पॉइंट्स। पहले हाथ उठाकर किसी के पक्ष में सहमति देने से गांव के लोकल लीडर्स चुने जाते थे। बैलेट पेपर्स का यूज आज भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस में होता है। इलेक्शन के टाइम बूथ पर वोटर्स जिला परिषद, समिति, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और वार्ड पंच को एक ही साथ वोट करते हैं। मुखिया के कुछ काम, जैसे कि गाँव के सभी विकास के काम करना और सरकार के सभी स्कीम्स का फ़ायदा गांव के निचले तबके के लोगों तक पहुंचाना होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बहुत से फ़ायदे हुए हैं। देश में प्रत्येक नागरिक तक डेमोक्रेसी पहुंचने में हेल्प हुआ है। SC, ST और OBC के लिए सीटें रिजर्व हुई है। पूरे देश में करीब 36 लाख पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के प्रतिनिधि हैं।
एक तिहाई सीटें औरतों के लिए रिजर्व हुई है। औरतों को अपनी आवाज़ और पहचान बनाने में हेल्प हुई है। पूरे देश में करीब 10 लाख औरतें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ डिफ़िकल्टीज भी हैं। ग्राम सभा नियमित तौर पर आयोजित नहीं होती है। ग्राम सभा आयोजित करने के लिए पंचायत भवन नहीं होती है, जहां पर पंचायत के एक तिहाई पॉपुलेशन इकट्ठा हो सके। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट लोकल लीडर्स को पावर नहीं दिए हैं और ना ही पर्याप्त संसाधन दिए हैं। हम आज भी खुद को गवर्न करने वाली सरकार के सोच से बहुत दूर हैं। वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।